agents. Firstly, we discuss the gastrointestinal agents. What is the gastrointestinal agents? Gastrointestinal agents is also called GIT. जो हमारे gastrointestinal agents है consist of series of organs from digestion of food. Of food. Right from ingestions of food to the expulsion of water and feces. Here it starts from the oesophagus just immediately after oral or हमारे जो है buccal cavities है उसमें होता है. ठीक है, हमारा start कहाँ से होता है? Gastrointestinal system जो है वो start with the mouth to anus. HCl secretions होती हैं स्टमक में, तो हमारे क्या एक्लोहाइड्रिया
क्या रहता है, जब फंक्शन प्रॉपरली एक्सहेल को सेक्रेट नहीं करता हमारे स्टमक में बॉडी में, तो उससे क्या होता है एक्लोरहाइड्रेट्स की एब्सेंस से। दूसरा, अगर ज़्यादा हमारे जो है एसिडिटी सेक्रेशन हो जाए एक्सहेल की, उसे हम बोल देते हैं हाइपर एसिडिटी। अगर डिक्रीज हो जाए एक्सहेल सेक्रेशन हमारे स्टमक में तो क्या हो जाता है एक्लोरहाइड्रिया। अगर इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या हमारा जो है उसमें सिस्टम में क्या हाइपर एसिडिटी हो जाती है। जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो आजकल के मेन प्रॉब्लम चल रही है हमारे बहुत ज़्यादा होल वर्ल्ड में। तो हम कुछ भी की जो है स्पाइसी खा लेते हैं या फिर कुछ भी हम ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उससे क्या हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, जिससे वॉमिटिंग, ठीक है, डिजीनेस, हेडेक होने लग जाता है। अगर ये हम जो हमारी हाइपर एसिडिटी है अगर ये हमारी ठीक नहीं हो रही तो उससे क्या होते हैं हमारे स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, वो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, उसमें ड्यूओडेनल अल्सर हो जाते हैं इससे। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होने लगते हैं, सेक्रेशन ज़्यादा होने लगते हैं एसिड के, तो उससे क्या पेप्टिक अल्सर और ड्यूरिनल अल्सर हो जाते हैं, जिससे हमारे जो स्टमक में है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम लोग ज़्यादा जो है जो फूड है वो हमें बॉइल करके खाना पड़ता है और हम ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खा सकते। ये हमारी बॉडी में आगे जाके इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि पर्सन क्या वो सिर्फ क्या है उसको कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, गैसेस हैं, ठीक है, टॉक्सिन सब्सटेंस ज़्यादा चले जाए या इनसफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स हैं जो और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इंटेस्टाइन स्टिमुलेंट्स में, तो इंटेस्टाइन इमोटिलिटी हो जाती है, उससे क्या होता है हमें स्टूल डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन इन्फेक्शन हो जाए स्टमक में फूड से या फिर किसी वाटर से फूड से या फिर हमारी जो बैक्टीरिया वो ग्रो कर जाए, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में डायरिया हो जाता है, ठीक है, वो भी क्या हमारी एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अगर हमारी बॉडी में जो फ्लूड है वो कम हो जाए, जो इनसफिशेंट मोटिलिटी है, ठीक है, इंटेस्टाइन मोटिलिटी हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन से जैसे हमें पता है कि बहुत सारी जो डिजीज है वो क्रिएट होती है, जो तो कॉन्स्टिपेशन है वो क्या मेन हम लोग मानते हैं कि अगर कोई डिजीज है तो उसकी मेन जो प्रॉब्लम हो सकती है वो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, उससे हमें बहुत सारी आगे फर्दर डिजीज होती है। अगर तो फ्लूइड कम है हमारी बॉडी में, ठीक है, फिर तो हमें हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। अगर ज़्यादा फ्लूइड है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही है बॉडी में, तो उससे हमें ज़्यादा कौन सी डिजीज हो सकती है स्टूल एंड डायरिया। जो इनसफिशिएंट सेक्रेशन फ्रॉम सलाइवा बाइल एंड पैनक्रियास से जो इनसफिशिएंट सेक्रेशंस होती हैं इनटू जीआईटी में वो क्या होती है, या फिर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हमने ले ली, तो इस जो है इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं वेरियस जीआईटी एजेंट्स एम्प्लॉयड एसिडिफायर्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए हम लोग एसिडिफायर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, एंटासिड्स एंटी अल्सर जो है एजेंट्स वो यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव्स फॉर इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, एंटी डायरियल जो है डिजी जो कंपाउंड है वो यूज़ करेंगे उनके ट्रीटमेंट्स के लिए। जो हम मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें अप्लाई करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो ट्रीटमेंट में है इम्पोर्टेंट जो हमारे हेल्प करते हैं वो कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा एसिडिफाइंग एजेंट, सेकेंड है एंटासिड, थर्ड वन है हमारा प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट,
खाने से लाइन का काट देगा। फर्स्ट जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में डिस्कस करेंगे वो है हमारा एसटीफाइड एजेंट्स। जो एस्टिफाइंग एजेंट्स हैं हमारे वो क्या होते हैं? आर द इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस दैट आइदर प्रोड्यूस और इंक्रीज एसिड जो हमारी बॉडी में एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। उसको चार टाइप से जो उसमें जो फर्स्ट है हमारा उसको चार टाइप से एस्टिफायर को हम क्लासिफाई करेंगे। फर्स्टली है गैस्ट्रिक एस्टिफायर, सिस्टमिक एस्टिफायर, यूरिनरी एस्टिफायर और एसिड। फर्स्ट हम करेंगे एसिड। एसिड क्या है? जो हम मेडिसिनल प्रेपरेशन मेडिसिन की प्रेपरेशन में यूज करते हैं और लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स में यूज करेंगे। यूज इन मेडिसिन प्रेपरेशन एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जो यूरिनरी एसिडिफायर है वो क्या करते हैं? हम यूरिन की हमारे जो पीएच उसको मेंटेन करते हैं। और देन जो हमारे सिस्टमिक एसिडिफायर्स हैं वो हमारे ब्लड में और जो हमारे सिस्टम में पीएच है
ठीक है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। बराबर। या फिर ऑल बॉडी पार्ट्स, उसको मेंटेन करके रखते हैं। जो गैस्ट्रिक एसिडिफाइड है वो क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक की पीएच है उसे मेंटेन करेंगे। अब हमने जैसे डेफिनेशन में हमने फर्स्ट स्टडी किया था कि एसिडिफाइड एजेंट क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इंक्रीज और प्रोड्यूस करते हैं एसिड को, उससे क्या होता है जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर गैस्ट्रिक एसिडिफायर में क्या स्टमक में करेंगे इंक्रीज तो उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी, तो जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर है वो क्या करेंगे उस पीएच को मेंटेन करेंगे स्टमक की। अगर जो यूरिनरी एसिडिफायर है तो वो यूरिन की जो पीएच को कम कर देंगे तो वो यूरिन की पीएच को मेंटेन करेंगे। जो सिस्टमिक एसिडिफायर है वो ब्लड और जो हमारे पूरे और बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अगर पीएच कम हो जाए तो उसको पीएच को मेंटेन करते हैं। और एसिड का हमें पता है जैसे मेडिसिन की प्रेपरेशंस में यूज होते हैं और हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज होता है। अब जो गैस्ट्रिक एक्सियल है वो सेक्रेटेड कौन करता है, बाय सेक्रेटेड बाय स्टमक, ठीक है, बाय स्टमक वॉल किल्स द बैक्टीरिया, ठीक है, इन द इंजेस्टेड ड्रिंक और एंड फूड सॉफ्ट एंड फाइबर फूड्स हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन। अब ये जो गैस्ट्रिक एक्सियल है वो क्या स्टमक में सेक्रेट होता है और जो उसमें स्टमक में वॉल्स होती हैं वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक वॉल जो बैक्टीरिया है उनको किल कर देती हैं, ठीक है, जो ड्रिंक फूड और सॉफ्ट एंड फाइबर फूड्स की के साथ होते हैं और हेल्प करते हैं हमारी जो है सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन में, पेप्सिन की सेक्रेशन में हेल्प करेंगे। जो पेप्सिन है वो क्या करता है, पेप्सिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम पेप्सिनोजन ओनली व्हेन द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इज बिलो 6। अगर जो गैस्ट्रिक हमारा कंटेंट है, स्टमक की जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, स्टमक की पीएच जो है वो बिलो 6 हो जाए देन क्या जो पेप्सिन है वो सेक्रेट होता है, ठीक है, उससे क्या होता है जो हमारी नॉट ओनली द पेप्सिन एक्सर्ट दिस टेस्ट प्रोटोलिटिक एक्टिविटी बिलो 3.5 एंड देन पेप्सिन हेल्प व्हेन पेप्सिन इज प्रेजेंट एंड द इंसर्शन और एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एक्सेल विल लीड टू लैक ऑफ पेप्सिन एक्टिविटी। अगर हमारी पीएच कम हो जाती है वहां पर हमारा जो है पेप्सिन है वो वर्क करेगा, बट अगर हमारे बॉडी में एक्सेल नहीं बन रहा है, एब्सेंस है या इनसफिशियंट अमाउंट में बन रहा है तो वहां पर जो है पेप्सिन है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, लैक हो जाती है। उसके बाद है हमारी जो हमारे और अदर जो एंजाइम्स है, जैसे एक तो पेप्सिन एंजाइम हो गया, अदर जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के और फुली फंक्शनल करते हैं, बट जो एक्लोरहाइड्रिया पेशेंट्स है जिनको हमारे बॉडी में स्टमक में एक्सेल नहीं बन रहा, एब्सेंस हो रहा, एक्लोरहाइड्रिया पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें सफर फ्रॉम एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। उनमें क्या एक तो एक्सेल नहीं बन रहा, दूसरा एनीमिया भी कम होगा क्योंकि उनमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है वो बंद हो गए, इसलिए उनमें ये प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम से वो सफर करते हैं। अब जो हमारे पास है जो हमारा जीआईटी डिस्टर्बेंस जब हो जाता है, जब हमारे जीआईटी में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एजेंट्स है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे क्या होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे जो बाउल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो और माइल्ड जो डायरी है, एपिगैस्ट्रिक पेन, या तो जो हमारी बॉडी में बाउल मूवमेंट्स है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या फिर जो बाउल मूवमेंट्स है स्टूल जो है स्टूल बाउल मूवमेंट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उससे डायरिया हो जाता है।
या फिर एपिगैस्ट्रिक पेन, स्टमक में पेन होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद है उस नेक्स्ट सेंसिटिविटी ऑफ स्पाइसी फूड। अगर हम थोड़ा सा भी स्पाइसी फूड खा लें तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी में गैस एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम, ये हमारे क्या है कॉमन सिम्टम्स हैं। अब इसमें क्या है, द बेस्ट एजेंट टू ट्रीट एक क्लोरहाइड्रे और हाइपोक्लोरहाइड्रे विल बी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारा एक क्लोरहाइड्रे है या हाइपो एचसीएल है, हाइपो एसिडिटी है, ठीक है। तो उसके जो है ट्रीटमेंट के लिए, हाइपोक्लोरहाइड्रे है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक बेस्ट है जो एजेंट है इन दो इनके ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास एक ही बेस्ट एजेंट है, वो है क्या, डाइल्यूट एचसीएल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे बॉडी में जो है एसिड नहीं बन रहा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं, ड्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब हम इसका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला है HCl। वेट है इसका मोलिकुलर वेट 36.46। अब हमारे बॉडी में जो एसिडिफाइंग एजेंट्स हैं, जो हमारे बॉडी में स्टमक में एसिड नहीं बन रहा उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हमारा एक्सेल, मॉलिक्यूलर वेट 36.46 है इसका। और जो हमारा एक्सेल है उसे हम स्टोरेज किसमें करते हैं, ग्लास की जो कंटेनर्स होते हैं उसमें स्टोर करते हैं एम्बर कलर, क्योंकि ये जो लाइट से रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लाइट अफेक्ट करती है जो है हमारा एक्सेल, इसलिए हम एम्बर कलर टाइप के जो क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स है उसमें स्टोर करेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के कलरलेस लिक्विड है, स्ट्रोंग इसकी जो पंजेंट ऑर्डर आती है, सोल्युबल है ये वाटर एंड अल्कोहल में, पंचेट ऑर्डर। सोल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। कलरलेस लिक्विड। और जो ये क्या है स्ट्रोंग एसिड है, इसलिए जो इसका जो हम अगर अटैक हो जाए मेटल्स पे या किसी पर्सन पे तो उससे क्या होता है, वो जो स्किन है पर्सन की, ह्यूमन बींग की, वो बर्न हो जाती है और जो मेटल है वो क्या होता है, वो अल्कलाइज हो, जो मेटल वो क्या खराब हो जाते हैं, डिटीरियोरेट हो जाती है। अब उसके बाद जो हमारे प्रेपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं, जो हमारी HCl की प्रेपरेशन करेंगे हम NaCl प्लस H2SO4। सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसकी प्रेपरेशन करते हैं। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड है अगर हम दोनों को पास करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी जो एक्सेल गैस है वो लिबरेट होती है। यहां पर हमने एक्सेल हो गया, ये हमारा बन रहा है गैस और ये हमारा कंपाउंड बन गया।
इससे हम लोग केमिकल जो प्रेपरेशन वो कैसे करेंगे, NaCl सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड के साथ पासिंग होता है हमारा जब, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड थ्रू वाटर जो है गैस वो लिबरेट होती है। इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्टली अगर हम इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, KMnO4 के साथ करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो उसके पास हमारा क्या बनता है, क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट होती है, ऑक्सीडाइज एजेंट्स बनते हैं और जो क्लोरीन गैस है वो लिबरेट होते हैं। जब हम इसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे उससे फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हमने सोडियम मेटल है उसके साथ इसका रिएक्ट करवाया सोडियम क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या बन गया इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो गैस लिबरेट हुई, अगर हम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। दूसरे है इसका स्टोरेज हम वेलक्रोज कंटेनर में करते हैं, ठीक है, जब ग्लास के कंटेनर में जिनमें इनर्ट मटेरियल ना हो, जहाँ हम इसे वहां पर रखेंगे स्टोर करके रखते हैं जहां पर जो टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा वहां पर हम लोग एक्सेल को स्टोर करेंगे और ग्लास के कंटेनर्स में। अब यूज क्या है इसका, जो यूज है फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल जो एड है उसमें इसका यूज होता है, सेकंड है जो हमारा HCl है उसका यूज होता है, जो हम लोग एस्टिफाइंग एजेंट्स बनाते हैं, ठीक है, एस्टिफायर्स बनाते हैं उसमें इसका यूज होता है। लास्ट इसका जो नेक्स्ट यूज है, जो हमारे पास इनएक्टिव प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन, ठीक है, उसकी सिंथेसिस में उसकी वर्किंग में हम लोग HCl का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सर्टेन एंटी एसिड है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट्स है या फिर हमारे पास जो है जो वाटर सोलबल होते हैं जो एंटी एसिड्स, उनकी pH को राइज करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। HCl का हम लोग यूज किस में करते हैं, हाइपर एसिडिटी में भी, लीड टू पेप्टिक और ड्यूरिनल अल्सर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं हम। इसका जो हम लोग यूज करते हैं एस्टिफायर्स का, एक्लोरहाइड्रिया के जो पेशेंट्स है उसके लिए गैस्ट्रिक जो है हम एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए भी इसका हम यूज करेंगे। अब जो इसका इसका जो सिनोनिम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो क्या है, मुरिएटिक एसिड एंड सिट्रेट ऑफ सॉल्ट। इसका जो सिनोनिम क्या है, मुरिएटिक एसिड।